Big story breaking as far as the Rajasthan crisis is concerned. Ashok Gehlot is now coming to Delhi. Will be meeting Sonia Gandhi. Last 3 days left for filing a nomination. Gehlot is still in the race is what we're picking up. Many leaders had complained about Ashok Gehlot after the Rajasthan rebellion. Ashok Gehlot is to reach Delhi post-noon. Peace is likely to be brokered between the leadership and Gehlot. Disciplinary committee had not taken any action against Gehlot. The report also submitted by in charge did not mention Gehlot for disciplinary action and only mentioned 3 MLAs. Going straight to Devankur, right now is speaking with one of the MLAs of the Gehlot camp. Well, Sneha, at this point in time, the Congress is contemplating what will be the next course of action as far as the Gehlot camp is concerned, and senior cabinet minister Pratap Singh Khachariyawas is there with me right now. प्रताप जी, जिस तरह से कार्यवाही करने का मन बनाया है, शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं, 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी को और धर्मेंद्र राठौड़ को, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है, क्या गहलोत गुट पार्टी के आला कमान के निर्देशों के विरुद्ध काम कर रहा? नहीं, पार्टी का नेतृत्व सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लिए राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली भी जाता है, 50,000 से ज्यादा लोग अभी महंगाई विरोधी रैली में गए, आगे भी जब भी जरूरत होगी हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। पार्टी नेतृत्व को कभी हम सोच नहीं सकते कि हम कभी चुनौती दें, क्योंकि पार्टी नेतृत्व के दम पर ही कांग्रेस चलती है, हम चलते हैं, हम विधायक बनते हैं, पार्टी नेतृत्व मजबूत होता है तभी हम मजबूत होते हैं, ऐसा कहीं भी सोचना गलत है। राहुल गांधी जी के निर्देश पर, सोनिया जी के निर्देश पर सब लोग अशोक गहलोत जी और राजस्थान के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी 50,000 से ज्यादा दिल्ली गए थे, आगे भी पार्टी नेतृत्व खाचरियावास जी कहा यह जा रहा है कि एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, आज वो दिल्ली भी जाने की बात कही जा रही है, सोनिया गांधी जी से मिल भी सकते हैं वो, तो क्या लगता है कि बलि का बकरा जो छोटे स्तर पर जिन लोगों ने निचले स्तर पर काम किया और काम किया मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उनकी बलि ली जा सकती है, पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही कैन बी अलाउड टू गो स्कॉट फ्री? देखिए, एक बात आप मानकर चलना, ये जिस तरह का आप सवाल कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी हो या कोई भी हो, पार्टी के हम सब सिपाही हैं। ये कहना कि अशोक गहलोत जी को क्लीन चिट दे दी, अशोक गहलोत जी उस दिन मैं उनके साथ था, तनोट माता जी के यहाँ गए हुए थे, पीछे से सारे एमएलए इकट्ठे होकर धारीवाल जी के यहाँ पहुंच गए। अब धारीवाल जी, महेश जी और धर्मेंद्र जी को नोटिस मिला है, वो जवाब देंगे, शॉर्ट आउट हो जाएगी, जवाब से मुझे पक्का विश्वास है हमारा नेतृत्व तो संतुष्ट हो जाएगा। खाचरियावास जी, आप 20 साल से ज्यादा राजनीति में हैं, क्या आपको इस बात पर विश्वास हो सकता है कि अशोक गहलोत जी को इस बारे में नहीं पता था कि धारीवाल जी के घर पर क्या कुछ चल रहा था? एक बात आप मानकर चलना, जहां तक अशोक गहलोत जी का सवाल है, मैं तनोट माता जी उनके साथ गया था, एक बार भी उनकी धारीवाल जी से या महेश जोशी जी से बात नहीं हुई फोन पर। आपके सामने नहीं हुई, पहले तो हुई हो सकती है। अब हम गए वहाँ और तनोट माता जी पे फोन पकड़ता नहीं, आप पता कर लेना कोई टावर। वो मुझे पता है सर, वहाँ नेटवर्क नहीं आता, पर ये जो सारी जो प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, वो रची गई जब अशोक गहलोत जी जयपुर में थे, ऐसा कई लोग हमें सूत्र जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है वो खुद कह चुके हैं। देखिए, ये जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता इस तरह की बात करते हैं, उसका कारण ये है कि जो लीडर होता है, जो बीजेपी के षड्यंत्र को, बीजेपी के झूठ फरेब धोखे को हरा देता है, जब सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी करती है, तो पूरे देश में एक उदाहरण है राजस्थान, जहां वो सरकार नहीं गिरा पाते और उस वक्त मिस्टर अशोक गहलोत नेतृत्व करते हैं। वो कैंप सोनिया गांधी जी का होता है, इनके बारे में एक इमेज है कि बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, जादूगर हैं, तो उस इमेज के पीछे मानते हैं जो भी होता है राजस्थान वो अशोक गहलोत करते हैं। उस दिन तो अशोक गहलोत जी तो तनोट माता जी के पास शक्ति मांगने गए थे, और आपको पता है जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो भगवान राम ने 8वें या 7वें दिन शक्ति की पूजा की थी, और शक्ति की पूजा करके और विजय हासिल की थी, तो भगवान वो तो माता जी के दर्शन करने गए थे, और माता जी के दर्शन करके और तनोट माता जी के यहाँ कोई जाता है तो उसको तो वैसे ही सारे आशीर्वाद मिल जाते हैं जो आदमी 3 बार सीएम रह।